भाई ये नई वाली वेन्यू है जिसके अंदर आप देख सकते हैं ऑडियो सेटअप का काम कर रहे हैं आज हम। और ये स्टॉक वाला स्पीकर होता है इसके, ये चेंज करके हम इसके अंदर मिड रेंज लगा रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये वाला स्पीकर इसके अंदर लग गया है। और भाई कंप्लीट गाड़ी हमने खोल दिया, जैसे देख सकते हैं इसमें डैम्पिंग भी होगा अंदर बाहर, और करने के बाद फिर आपको दिखाते हैं। इसमें जो डैम्पिंग हम करने जा रहे हैं वो अपनी पैरामीटर की रहने वाली है, 2.0 है ये, और गोल्ड सीरीज में देख सकते हैं ये वाली डैम्पिंग हमारी हो रही है इसके अंदर, जो कि हम वेन्यू में कर रहे हैं। और इनर और आउटर दोनों कर रहे हैं, अंदर बाहर दोनों लेयर कर रहे हैं इसके अंदर हम। भाई अपनी डैम्पिंग देख सकते हैं, अंदर और बाहर दोनों लेयर हम कर रहे हैं वेन्यू के अंदर। ये अंदर की साइड हो रही है और ये सामने बाहर की साइड हो रही है, डबल लेयर कर रहे हैं इसके अंदर डैम्पिंग हम, जैसे कि देख सकते हो। बताया था कि रोलर से हम इसे बिठाते हैं, ये हमारी बाहर की तरफ हो रही है डैम्पिंग देख सकते हैं, बकायदा रोलर से इसकी जो है थिकनेस बिठाई जाती है इसकी, तो इस तरह से डैम्पिंग होती है। और पैरामीटर हम इसके अंदर 2.0 वाली डैम्पिंग लगा रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं अंदर और बाहर दोनों लेयर लगा रहे हैं इसके अंदर, दोनों शीट लग रही है इसके अंदर। भाई देख सकते हैं डैम्पिंग के लिए हम बकायदा रोलर यूज करते हैं, और हमारे पास कुछ इस तरह का रोलर होता है जैसे कि आप देख सकते हैं, और ये डैम्पिंग के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी पार्ट होता है, बिना विदाउट रोलर आप डैम्पिंग कहीं से ना कराएं। और इसके अंदर हमने 2.0 की डैम्पिंग करी है, देख सकते हैं इसके अंदर भी करी है और इसके अंदर बाहर भी करी है, इनर और आउटर दोनों लेयर डैम्पिंग करी है। और भाई डैम्पिंग करने के बाद आप देख सकते हैं बिल्ड क्वालिटी कितनी बढ़ गई है हमारी, बिल्ड क्वालिटी देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी कितनी इन्हेंस हो जाती है इसकी डैम्पिंग करते ही। और हमारी पैरामेट की देख सकते हैं फिनिशिंग देख सकते हैं, कुछ इस तरह से फिनिशिंग आई है इसके अंदर, और हमने जो डैम्पिंग करी है पैरामेट की 2.0 वाली करी है। और डैम्पिंग के बाद आपके एक स्पीकरों की जो है आवाज़ इन्हेंस हो जाती है, और स्पीकर जो हम इसके अंदर लगा रहे हैं ये एविटार का देख सकते हैं, मिड लगा रहे हैं इसके अंदर, आगे मिड एविटार का लगेगा और पीछे वैक्सटोन का लगेगा, वो मैं आपको दिखा दूंगा इसमें। ये अपनी नई वाली वेन्यू है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसके अंदर सिस्टम अपग्रेड का काम चल रहा है, और हमारे जो फ्रंट में आप देख सकते हैं ये वाले मिड लग रहे हैं एविटार के मिड है, जिसकी आप देख सकते हैं बिल्ड क्वालिटी कितनी ज़बरदस्त है। और ये सुनामी सीरीज के जो है ये वाले आपके एविटार है, जो कि 300 वॉट मैक्स पावर में आते हैं, और ये वाले मिड हम इसके अंदर लगा रहे हैं। भाई इसके अंदर जो वायरिंग किट डाल रहे हैं हम इसके अंदर ब्राजो किट डाल रहे हैं, जो कि प्रीमियम क्वालिटी की वायरिंग है, और ये अपनी 4 गेज की रहने वाली है, जैसे कि आप देख सकते हैं ब्राजो की है और प्योर कॉपर में आती है। तो ये हम इसके अंदर मोको का ये एम्पलीफायर लगा रहे हैं, जो कि आप देख पाएंगे ये 1500 RMS का है और 2 साल वारंटी के साथ आता है ये, और ये वाला हम एम्पलीफायर इसके अंदर इंस्टॉल कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इस एम्प की बिल्ड क्वालिटी आपको दिखाना चाहूँगा। भाई अगर MRP की बात करें तो 14,790 MRP है इसकी, जैसे कि आप देख सकते हैं, और आपको आने पर डिस्काउंट जो भी होगा बेस्ट डिस्काउंट दे देंगे। तो भाई इसके साथ जो आपको इस तरह से ये बेस कंट्रोलर मिल जाता है इसका, जो इस तरह से होता है, और साथ में बात करें एम्पलीफायर की तो आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया बिल्ड क्वालिटी में है इसका। बात करें तो देख सकते हैं ब्लैक सीरीज में मोको का अपना ये मोनो एम्पलीफायर है, और जिसकी बिल्ड क्वालिटी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी खासी बिल्ड क्वालिटी है, और काफ़ी हैवी भी है ये, तो हम इसके अंदर आज इंस्टॉल कर रहे हैं अपने वेन्यू के अंदर। भाई रियर की बात करें तो रियर में हम ये वाला आपका बैकस्टोन का रहने वाला 350 वॉट पिक पावर में है, और ये वाला मिड रेंज हम इसके अंदर इंस्टॉल कर रहे हैं, जिसकी आप बिल्ड क्वालिटी चेक कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी खासी बिल्ड क्वालिटी है। और इसके साथ हमें ये ट्विटर भी, बुलेट वाले ट्विटर भी साथ में ही आते हैं, इसके साथ ही अलग से नहीं आते, इसके साथ ही आते वाले ब्लड ट्विटर, ये भी इसके साथ हम इंस्टॉल कर रहे हैं, और साथ में हमारा ये क्रॉसओवर भी वैक्सटोन का ही मिल जाता है, और काफ़ी अच्छा बढ़िया प्रीमियम रेंज में आपके ये मिड रेंज है, काफ़ी अच्छी है। और लगने के बाद आपको इसकी एक बार आउटपुट भी चेक कराऊंगा, जैसे कि आप देख सकते हैं ये बैकस्टोन का मिड रेंज हम इसके अंदर इंस्टॉल कर रहे हैं, जो कि हमारा बुलेट ट्विटर के साथ आता है, ये सारा पूरा पैकेज ये पूरा एक साथ ही आता है ये, तो हम इसे रियर में इंस्टॉल कर रहे हैं। फ्रंट में देख सकते हैं हमारे ये एविटार का मिड लगाया है, जो कि आप देख सकते हैं जिसकी फिनिशिंग और पैरामीटर की हमने डैम्पिंग करी है इसके अंदर, जिसकी बिल्ड क्वालिटी आप चेक कर सकते हैं, डोर की बिल्ड क्वालिटी आप देख सकते हैं कितनी इनहेंस हो जाती है। भाई इसमें तो आपको दिखाना चाहूँगा जो भी वायरिंग हुई है अपनी, ये कपलर टू कपलर हुई है,
और जो गाड़ी की ओरिजिनल जो हमारी ये वायरिंग होती है, इससे हम कोई छेड़खानी नहीं करते, कोई कटिंग नहीं करते। और इसके अंदर हमने ये 4 चैनल का ये कन्वर्टर भी इंस्टॉल कराया है, जैसा कि आप देख पाएंगे ये हमारा 4 चैनल का कन्वर्टर इंस्टॉल हुआ है इसके अंदर, जो कि हमारे दोनों एम्प को पावर देगा। एक तो हमारा ये मोको का देखेंगे, ये मोनो लगा हुआ है, इसको पावर देगा। और सेकेंड में हमारा यहाँ पे लेफ्ट साइड सीट पे हमारा 4 चैनल लगा है, वो इसको पावर देगा। और इसके अंदर हमने ये वीडियो एक्टिवेटर भी इंस्टॉल करा, जो आप ड्राइविंग के टाइम पे आप वीडियो देख सकते हैं, ये भी इसके अंदर इंस्टॉल हुआ है। और भाई जो भी काम हुआ देख सकते हैं, कपलर टू कपलर हुआ है। और ये इसका गाड़ी का मेन कपलर है, और हमने जो इंस्टॉल करा वो ये वाला कपलर है, और जिसकी आप ये देख सकते हैं कुछ इस तरह से फिटिंग हो जाएगी इसकी। ये देख सकते कपलर हो गया, कोई भी वायरिंग हमारी कटिंग नहीं हुई है गाड़ी की, और जो भी वायरिंग हुई है सारी कपलर टू कपलर हुई है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये हमारा कपलर है और ये कंपनी की वायरिंग है, सो हमने कोई भी ओरिजिनल वायरिंग की कोई भी कटिंग नहीं करी है, जो भी काम हुआ हमारा सारा कपलर टू कपलर हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसके अंदर बुफर लगा रहे हैं, पावर का बुफर है, जैसा कि देख सकते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी, और पूरा हैंडमेड है बुफर, हाथों से बना हुआ, और देख सकते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी। और भाई आउटपुट की बात करें तो बहुत ही ज़बरदस्त इसके अंदर आउटपुट निकल के आई है, तो आपको फिर से बताना चाहूँगा। आगे हमने एविटार का मिड रेंज इंस्टॉल करा है, और पीछे हमने वैक्सट्रॉन का मिड विद बुलेट ट्यूटर के साथ इंस्टॉल करा है, और एक हमारा मोनो एम्पलीफायर इंस्टॉल हुआ है। और आउटपुट एक बार आपको चेक कराना चाहूँगा भाई, आउटपुट देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त आउटपुट इसकी निकल के आई है।